हमने तो सरकार यही बनानी है जी। क्यों बनानी है, ये काम अच्छा लगा? अच्छा करती है जी। अच्छा बहुत बढ़िया है। सीएम साहब को आगे भी इसको बनाएंगे। अच्छा सीएम साहब भाई आप कहाँ से आए हैं? लेकिन व्हाट्सएप पे तो ऐसे भी मैसेज आते हैं कि हिंदू खतरे में फिलहाल है। वो अफवाहें हैं, उन अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा और यहाँ पर बहुत जोर से जिक्र है आपका, हाथी धन्यवाद सीट बीजेपी की गोली में जाएंगे, यही हमारा विश्वास रहेगी। और बहुत आनंद आ रहा है जी, माने के बाद मौसम खराब होने के बाद बावजूद भी हम लोग यहाँ आए। अच्छा अटेंड किया हमने और दिल खुश है हमारा। नमस्कार राम राम। इस वक्त आप तमाम दर्शक हरियाणा तक देख रहे हैं और मेरा नाम है सोनिया सत्यानिता। तो देखिए इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये समय है जब अमित शाह मोबाइल फोन के जरिए यहाँ अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। बारिश हो रही है और खराब मौसम के चलते अमित शाह ने यहाँ आने का जो अपना प्लान बनाया उनको यहाँ पर आना वो कैंसिल हो गया। तो इसीलिए ये वो समय आप देख रहे हैं जब वो फोन के मार्फत जनता को अपना संदेश दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है मोदी की सरकार लेकर आई है, इस तरीके की बात वो यहाँ पर अपने संबोधन में कहते दिखे। तो देखिए इधर कुछ बुजुर्ग जो है वो इस रैली से जो है जाना शुरू कर चुके हैं। देखिए तकरीबन अब आप देखिए कि कुर्सियां खालियां हैं, खाली पड़ी हैं और ये सीएम का जो संदेश है आपने सुना या संबोधन सुना आपने, तो देखिए लोग जो है वो जाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर लोगों से भी हम जो है वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा जनसमूह, मेरी मातृ शक्ति, सभी युवा साथी, अपने अतिथियों का स्वागत। मैं एक बार सभी से प्रार्थना करूंगा, कितना है हो जय श्री राम के जय घोष के साथ मुख्यमंत्री जी का अमित शाह नहीं आए के कहोगे? मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। अच्छा तो उन तक मिलना था आपने? मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। अच्छा तब आप कौन से काम आए हो? अच्छा अमित शाह तो नाटके को नहीं बोले के मौसम खराब है नहीं आते, फिर के रिएक्शन आपका? हमने तो सरकार यही बनानी है जी। क्यों बनानी है, ये काम अच्छा लगा? अच्छा करती है जी। अच्छा बहुत बढ़िया है। सीएम साहब अच्छा आगे भी इसको बनाएंगे। अच्छा सीएम साहब भाई आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हैं? हम जी सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, गोहाना तहसील। आप सभी का बहुत धन्यवाद अपनी बारिश से और यहाँ पर बहुत जोर से जिक्र है आपका, लोकसभा सीट बीजेपी की गोली में जाएंगी, यही हमारा विश्वास रहेगी। जिनको बैठक में जाना है ये जो लोग हैं जो रैली में आए थे वो जाना यहाँ से शुरू कर चुके हैं। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि रैली में ये जो पीछे वाली जो कुर्सियां हैं ये खाली ही रही, ये कुर्सियां शुरू जब रैली हुई तो तब भी हमने इसी तरह से खाली देखी और अब जब रैली ये ख़त्म हो रही है तब भी हमने कुर्सियां जो है खाली ही देखी हैं। रैली से जो निकल रहे हैं इनसे हम बात करेंगे। कहां से आए हैं भाई साहब, कहां से आए हैं? सोनीपत। सोनीपत से अमित शाह नहीं आए? नहीं खराब के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम करी है, बहुत बढ़िया काम करी है सरकार। हम बहुत संतुष्ट हैं बीजेपी सरकार से और बहुत आनंद आया रैली में आने के बाद, मौसम खराब होने के बाद बावजूद भी हम लोग यहाँ आए। अच्छा अटेंड किया हमने और दिल खुश है हमारा। क्या काम अच्छा लगता है इस सरकार का? इस सरकार का सारा काम अच्छा है। जैसे कि? जैसे कि सारा पहले विदेशों से हम सारा आर्मी का इक्विपमेंट मंगवाते थे। अच्छा अब सब हम अपने भारत में ही बनाते हैं और दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। अब हम कुछ भी आयात नहीं करते बाहर से। इस तरह की जानकारियां आपको व्हाट्सएप से मिलती है? हाँ समाचार द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा। अच्छा व्हाट्सएप पे और क्या क्या मिलता है? जिस तरह से मैं देखती हूँ ये भी है कि एक दिन जो है ये देश में हम ये मान रहे हैं कि मुसलमानों का राज हो जाएगा, तो इस तरह की खबरें भी आप पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे? ऐसे उसे कोई चिंता करने का विषय नहीं है, मुसलमान हमारे हिंदुओं के लिए कोई आफत वाली बात नहीं। इस देश में सभी धर्म को अधिकार है रहने का, कोई दुखी नहीं है, यहाँ सब आजाद है, देश के अंदर सभी को अधिकार है कमाने खाने का। कोई मुसलमान को खतरा नहीं है, कोई हिंदू को खतरा नहीं है। अच्छा लेकिन व्हाट्सएप पे तो ऐसे भी मैसेज आते हैं कि हिंदू खतरे में फिलहाल है। वो अफवाहें हैं, उन अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा